वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीप्तीज डायरी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और आज मैं बहुत अच्छी हूँ क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत अब ठीक है। तो सुबह का काम सारा हो गया है, जो भी होता है डस्टिंग और झाड़ू वाड़ू नाश्ता वगैरह सब हो चुका है और अब मैं हो गई थोड़ा फ्री। आज सुबह हम चले गए थे मंडी, वहाँ से लाए हम थोड़े बहुत फ्रूट्स वगैरह, नारियल वगैरह, ये देखिए, क्योंकि बच्चों को जब बीमार होते हैं और आजकल डेंगू वगैरह की भी शिकायत लोग ज़्यादा फैल रही है, तो मैंने सोचा कि कुछ लिक्विड वगैरह उसके उनके अंदर शरीर में बॉडी में जाए तो ज़्यादा अच्छा है, तो इसलिए मैं ये नारियल लेके आई हूँ ताकि बच्चे पीते रहें तो ठीक रहे। तो बस ज़रूरी काम ये है कि बहुत दिनों से, ये देखिए ये बॉक्स देख रहे हैं आप, ये बॉक्स था रखा हुआ बहुत दिनों से। और इसमें क्या है? इसमें है हमारी भतीजी की, सॉरी भांजी की शादी के कार्ड। तो उसने मुझे काफ़ी पहले बोला था कि इन पर नाम लिखना है और इन्हें सेंड करना है सभी रिलेटिव्स को, जिन जिनको हमें इनवाइट करना है। तो हमें जो है इनविटेशन कार्ड देने थे, पर बहुत दिनों से करवा चौथ और अहोई की तैयारियों के चक्कर में मैं इन्हें नहीं लिख पाई थी। तो आज मैं फ्री हूँ तो मैं सोच रही हूँ इनको लिख लूँ, क्योंकि शादी में बचे हैं अब थोड़े कम दिन, तो जितना जल्दी हो सके लिख के तैयारी करके मैं रख दूँगी और फिर बांटने के लिए जेठ जी हैं या देवर जी कोई भी या इसके पापा कोई भी चले जाएंगे बांटने के लिए। तो मैंने आपको पिछले उसमें वीडियो में दिखाया था कि कुछ तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं शादी की, तो शादी की तैयारियाँ चल रही हैं और यहाँ कार्ड रखे हैं, तो आज मैं इनको लिख लूँगी। आपको भी दिखाती हूँ कैसे हैं ये कार्ड। फ्रेंड्स, मैंने सारे कार्ड लिख दिए हैं, ये देखिए क्या फैलारा मचा हुआ है कार्डों का। तो कार्ड वगैरह लिखे जा चुके हैं और अब जो है इनको पहुंचाएंगे या तो मेरे हस्बैंड या देखते हैं कौन जाएगा। तो कार्ड का काम तो हो गया था सुबह ही, और ये जो मेरी कुछ क्लिप्स हैं, ये क्लिप्स हैं एक दो दिन पहले की, जब हम सब बैठे हुए थे और हमने करी थी पैकिंग। जो भी सामान वर पक्ष में जाने वाला था वो सब सामान की पैकिंग और जो है अच्छी तरह से रख रखाव हम कर रहे थे। बाकी जो भी हमें लिफाफे वगैरह पैक करने थे, जो भी दीदी ने हमको काम बताया था, वो सारा काम हमने उनके साथ करवा दिया था ताकि सब कुछ अच्छी तरीके से हो जाए पहले ही और बाद में उनको परेशानी ना हो। तो बस हम सब बैठे हैं, गप्पे वगैरह मार रहे हैं, और हमारे बच्चे तो बस हम जब जहाँ भी जाते हैं बच्चे साथ में होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे आकर बैठ जाते हैं, देखिए जैसे हमें खुशी होती है, हमें उत्साह होता है कि हमें शादी हो रही है हमारे घर में, उसी तरह बच्चों को तो हमसे ज़्यादा ही होता है। तो सारे बच्चे भी आकर मदद कर रहे हैं, और हम अब बच्चे भी बड़े बड़े हो गए ना, तो कोई भी छोटा बड़ा काम कर देते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो देखिए सब लगे हुए थे और काम जल्दी हो गया। और ये था शाम का समय, आज शाम की ये टाइम है और हम सब बैठे हैं। जो भी राशन आई है शादी में इस्तेमाल होने के लिए, वो राशन को अच्छी तरीके से साफ़ किया जाएगा, क्योंकि खाना बनाने से पहले उसको साफ़ कर देंगे, उसमें से कंकड़ पत्थर जो भी है उसे साफ़ करके किनारे रख देंगे ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। तो सारे हमारे घर के सारे फैमिली मेम्बर्स, मेरी देवरानी जिठानी, हम सब मिलके लगे हुए थे। दीदी भी लगी थी जिनकी बेटी की शादी थी, और मामी जी भी हैं हमारी, ये मामी जी बैठी हैं जो हमारी मामी सास हैं, तो वो सब बैठे हैं और हम सब लगे हुए हैं। तो ये देखिए बच्चे खेल रहे हैं और वीडियो जो हैं वो हमारे देवर जी बना रहे हैं। तो बस गप्पे शप्पे लग रही थी, सबके सब गप्पे भी मार रहे थे और साथ में काम भी होता चला जा रहा था। तो दीदी जो हैं वो, वैसे तो उनका घर है दिल्ली में, पर उनकी बेटी की शादी हो रही है यहाँ। तो फ्रेंड्स, शादी की तैयारियाँ हो चुकी हैं और हम जो है यहाँ देखिए आ गया सारा राशन और हो रही है सफाई। तो दाल चावल जो भी आया है सबको अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। यहाँ सब बैठे हैं, मामी जी, हमारी दीदी और मेरी देवरानी, देवर जी सब हैं यहाँ पर, इधर मेरी जेठानी देवरानी सब हैं। तो सफाई वगैरह हो चुकी है और अब शादी की तैयारियाँ हो रही हैं जोर शोर से, तो आप भी बने रहिएगा हमारे साथ।
तो शादी से पहले ये सब जो तैयारियां होती हैं इसमें आता है सबसे ज़्यादा मज़ा, क्योंकि इसमें एक इंतज़ार होता है और एक्साइटमेंट होती है कि हाँ भाई अब शादी में हम ये सब करने वाले हैं, ऐसा करने वाले हैं, और जो परिवार इकट्ठा होके सब मिलके काम करते हैं ना तो बड़ा ही मज़ा आता है। तो फ्रेंड्स बस इसी तरह से गुज़रा मेरा आज का दिन। आज बहुत सारे काम किए, कुछ कार्ड वगैरह लिखे और शादी के लिए जो भी अनाज आया था, जो भी सामान आया था, उसको सही तरीके से साफ़ सुथरा करके, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आता है कुछ भी सामान आता है तो सबको बुलाया जाता है, जो अड़ोस पड़ोस में लोग होते हैं, और साथ में मिलके सब उसे साफ़ करते हैं, रख रखाव करवाते हैं उसका, ताकि शादी में किसी तरह की अचानक में हबड़ा तबड़ी ना हो। तो आज बस हमने वो सब काम किया, आपने देखा ही है कि किस तरह से हुआ। और परिवार में जब करें तो सब कुछ आसान ही लगता है, तो आसानी से हो गया था, ज़्यादा मेहनत हमें करनी नहीं पड़ी क्योंकि बहुत सारे लोग थे तो जल्दी ही काम हो गया था। तो बस आप बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं आगे क्या क्या होता है, आपको ले चलूँगी अपनी जर्नी में साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ